तक आपने देखा कंस का छल हुआ विफल। महाराज परछाई अदृश्य हो गई। कान्हा ने दिखाई लीला और बचाया अपने मित्र सुदामा और गोकुल को पर्वतासुर के कहर से। आज देखिए कंस का रहा एक और षड्यंत्र कान्हा के विरुद्ध। संपूर्ण गोकुलवासियों को उस कृष्णा के विरुद्ध कर दूंगा। मैं संपूर्ण गोकुलवासियों को स्वर्ण के मोह में डाल दूंगा। मैं उस कृष्णा के विरुद्ध विशाल सेना खड़ी कर दूंगा। वही साहूकार ने रखा गोकुल में एक विचित्र प्रस्ताव। कल रात्रि के दूसरे पहर में मुझे साक्षात श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि गोकुल के प्रत्येक घर से एक मटकी माखन लेकर यदि मैं यमुना नदी के जल में प्रवाहित कर दूं तो भविष्य में गोकुल सुरक्षित रहेगा। क्या होगा अब आइए देखें आगे। मैं संपूर्ण गोकुलवासियों को उस कृष्णा के विरुद्ध कर दूंगा। मैं संपूर्ण गोकुलवासियों को स्वर्ण के मोह में डाल दूंगा। अब केवल एक स्वर्ण शंख नहीं होगा, अनेकों स्वर्ण शंख होंगे। अब केवल एक ही पर्वतासुर नहीं होगा, अनेक पर्वतासुर होंगे। मैं उस कृष्णा के विरुद्ध विशाल सेना खड़ी कर दूंगा। ये क्या स्वर्ण कलश यहां? मैं इसे उठा लेता हूं। नहीं, लोभ करना अच्छी बात नहीं। इस स्वर्ण कलश के कारण ही कहीं मेरी दशा भी सुदामा जैसी हो गई तो? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं उठाऊंगा। स्वर्ण मुद्रा? नहीं नहीं, नंद रानी ने हम सबको लोभ ना करने के लिए कहा था। मैं ये लोभ नहीं कर सकती। असंभव, असंभव ही है। मैं किसी भी गोकुलवासी को स्वर्ण के मोह में नहीं डाल पा रहा। मैं एक भी परछाई पर नियंत्रण नहीं पा पा रहा। असंभव है। मामा श्री, कोई और दाव खेलो। अब गोकुलवासी लोभ के माया जाल में नहीं फंसने वाले। तुम मेरे महल में क्या कर रहे हो? तुम बिकट, तुम इतने विशाल, इतने विशाल कैसे हो गए? विकट ने विशाल रूप नहीं, अपितु आपने सूक्ष्म रूप ले लिया है मामा श्री। मैं इतना छोटा कैसा हो गया? आपने ही सिखाया है ना ये खेल। आपने सुदामा की परछाई को नियंत्रित किया, अब मैं आपकी परछाई को नियंत्रित करूंगा। वो देखिए मूषक, इसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि आप कितने बड़े हैं। और अब आप तब तक सामान्य नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप मुझे ये वचन नहीं देते कि आगे से आप किसी की भी परछाई नियंत्रित नहीं करेंगे। वैसे मूषक आपको अपना भोजन समझकर आपकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। मुझे बचा लो इस मूषक से।
नहीं, मैं इस मूषक का भोजन नहीं बनना चाहता। मुझे बचा लो कृष्णा, बचा लो मुझे, बचा लो, बचा लो इस मूषक से, बचा लो मुझे। मैं आज से किसी की परछाई को नियंत्रित नहीं करूंगा। ऐसे नहीं, वचन दीजिए। अरे वचन देता हूँ मैं कि आज के पश्चात किसी की परछाई को नियंत्रित नहीं करूंगा, किसी की परछाई को वश में नहीं करूंगा। वचन देता हूँ मैं, बस मुझे इससे बचा लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मुझे 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 मत खाना। नहीं, ये क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, मैं सामान्य हो गया। वो मूषक कहाँ गए थे? मुझे मुझे खाने वाला था, कहाँ है वो? हाँ, लगता है फिर से छल कर गया वो कृष्णा मेरे साथ। महाराज तनिक ठीक से बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? किसकी छाया पर नियंत्रण करना है हमें अब? नहीं नहीं, कुछ नहीं, पूछो पूछो जाओ। अब हमें ऐसी चाल चलनी होगी जिसका तोड़ उस कृष्णा के पास ना हो। अरे रुको, अरे अरे रुको मेरे लिए, अरे मित्रों, क्या हुआ मित्रों? तुम सब मेरे समीप क्यों नहीं आ रहे? दामा, वो क्या है ना, हम सबको तुमसे भय लग रहा है। तुम पुनः ही किसी दानव में बदल गए तो? ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, और वो तो दुर्भाग्यवश पर्वतासुर ने मेरे शरीर पे नियंत्रण कर लिया था। शुरायु, सुबल, सुबीर, मेरे स्थान पे तुम भी हो सकते थे। तुम सबको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो दामा, जो भी यदि पुनः किसी दानव ने ऐसा किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और हाँ, तुम सब मेरे होते हुए किसी भी दानव की तनिक भी चिंता मत करो। तुम जानते भी हो दानव कितने भयंकर होते, हम सब मिलकर भी उनका सामना नहीं कर सकते। मुझे तब माफना, तुम्हारी भूल है सुदामा। तुम जानते नहीं तुम्हारा ये मित्र कितना वीर है। जब स्वयं देखोगे तभी समझोगे मूर्खो, मैंने बड़े बड़े दानवों का अंत किया है। इसलिए तो मेरा पूरा नाम शूरवीर शुरायु है। अरे पाताल लोक के दानव भी मुझसे थर थर कांपते हैं। अरे गोकुल में इतने दानव आए, वो कहाँ गए? कुछ ज्ञात भी है? उन्हें मैंने मारा है, मैंने। मित्रों सावधान, झाड़ियों में हलचल कैसी? मुझे भी लग रहा है कि इन झाड़ियों में अवश्य ही कोई है। मित्रों सावधान, झाड़ियों में हलचल कैसी? तुम चिंतित क्यों हो रहे हो मित्रों? हमारे साथ शुरायु जैसा शूरवीर है, वहाँ जो भी है शुरायु जाकर उसे ढेर कर लेगा, है ना शुरायु? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ जाओ शुरायु जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। अभी तो कह रहा था कि बड़े बड़े दानवों का अंत किया है इसने। बड़ा आया शूरवीर शुरायु। क्या आ रही
तरह से मुस्कुराकर आप इसे और प्रोत्साहित कर देते हैं। पहले क्या ये कम नटखट है? क्यों रे कान्हा, तूने शुरायु को भयभीत क्यों किया? लला तू जानता है ना, पूरे गांव में दानव का आतंक फैला हुआ है और तू इस तरह से लोगों को भयभीत करके आनंद ले रहा है। देखो कान्हा, तुम्हारी मैया बिल्कुल उचित कह रही है, दोबारा इस प्रकार की त्रुटि मत करना, ठीक है? किंतु सोचना अब यह है कि गोकुलवासियों को भयमुक्त किस प्रकार से किया जाए। आज प्रातःकाल से सभा का आयोजन किया गया है, अवश्य कोई विशेष बात है। हाँ लगता है नंद जी अवश्य कोई महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले। क्या हुआ गोकुलवासियों, क्या मैं जान सकता हूँ कि आज ये जनसभा क्यों आयोजित की गई है? नंद जी ये आप क्या कर रहे हैं? आपने ही तो सभा हेतु पूरे गांव भर में ढिंढोरा पिटवाया था। नहीं मैंने तो कोई सभा आयोजित नहीं की, फिर किसने ये सभा आयोजित की? नंदराज, इस सभा का आयोजन मैंने करवाया है। नंदराज क्या धनपति से तुमने आयोजित की है, परंतु क्यों? वो इसलिए नंदराज के कल रात्रि के दूसरे पहर में मुझे साक्षात श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिए। कान्हा क्या तुमने कल धानु काका को सपने में दर्शन दिए थे? नहीं दाऊ, मैंने धानु काका को कोई दर्शन नहीं दिए, धानु काका झूठ बोल रहे हैं। जब मेरे स्वप्न में श्री हरि आए तो मैंने उन्हें गोकुल में आए संकट के बारे में अवगत कराया। मैंने उन्हें बताया कि कैसे हमारा गोकुल दानवों से परेशान है, कितने भारी और विकट संकट हमारे गोकुल पर छाए हुए हैं। तब श्री हरि ने कहा कि धनुपति इसीलिए तो मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, मात्र तुम ही हो जो इस कार्य को कर सकते हो, उन्होंने मुझे ही चुना है बस। ये सत्य है क्या धनु काका? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कृष्णा मुझे मेरी बात पूरी तो करने दो, ये बालक हमेशा मेरी बात को मध्य में ही समाप्त कर देता, बड़ा उद्दंड बालक है ना। तो गोकुल वासियों, श्री हरि ने मुझे गोकुल को बचाने का एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि गोकुल के प्रत्येक घर से एक मटकी माखन लेकर यदि मैं यमुना नदी के जल में प्रवाहित कर दूं तो भविष्य में गोकुल सुरक्षित रहेगा। धनुपति सेठ, कान्हा ने आपसे उचित प्रश्न नहीं किया। हम सब गोकुलवासी आपकी बात पे विश्वास कैसे करें? उपनंद अब तुम भी मुझसे प्रश्न करोगे, तुम भी इस बालक की बातों में आ जाओगे, ठीक है? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, तुम्हें मुझ पर संदेह करना तो कर लीजिए, मुझे क्या पड़ी, होने दो दानवों का आक्रमण गोकुल पर। उपनंद मुझे लगता है सेठ धनपति की बात मानने में कोई हानि नहीं है, और वैसे भी श्रीहरि तो हमारे आराध्य देव हैं, उनके निमित्त कोई भी दान किया जाएगा तो उससे हमें पुण्य ही मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है हम सबको एक मटकी माखन का दान अवश्य करना चाहिए। धनु काका बस खाना, अब तो धानु सेठ को कुछ मत कहना। वैसे भी ये गोकुल की सुरक्षा का सवाल है, और श्रीहरि के लिए हम सभी गोकुलवासी सहर्ष ये दान करेंगे। देख लल्ला तू तो अभी बालक है, श्री हरि की कृपा को तू नहीं समझेगा। धानुसेठ यदि हमारे इस दान से गोकुल की सुरक्षा होगी तो हम सभी गोकुलवासी एक एक मटकी माखन दान में देंगे। हाँ हम सब नेक कार्य में अपना अपना योगदान देंगे।
हम सब देंगे। हम सभी माखन अवश्य देंगे। देख लल्ला, आज से रोज एक मटकी माखन श्री हरि के लिए मैं निकालूंगी। उसे हाथ मत लगाना। मैया मैं कुछ कहूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना है। जो मैं कह रही हूँ चुपचाप से मान ले, समझा? देख काना, मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हमारे और धानु सेठ के मध्य हुआ उससे तो धानु सेठ पर विश्वास नहीं करता। किंतु लल्ला, इस सब सबसे बड़ा प्रश्न है गोकुल की सुरक्षा का। एक गाय के दूध से तो मैं आधा मटकी माखन ही जुटा पाई, अब आधा मटकी माखन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मैया, आज आप किसी से माखन ले लो, कुछ दिनों में लौटा देना। नहीं नहीं सुदामा, जब कोई वस्तु दान में दी जाती है तो उसे किसी अन्य से नहीं ले सकते, उसकी व्यवस्था स्वयं ही करनी होती है पुत्र, यही दान का धर्म है। अरे हाँ, एक उपाय है, मेरे पास कुछ नए बर्तन रखे हैं, मैं उन्हें बेचकर माखन की व्यवस्था कर लेती हूँ। भोले भाले गोकुलवासी इस पाखंडी की बातों में आ गए हैं कान्हा। हाँ, किंतु गांव वाले कहाँ समझने को तैयार है दाऊ। और कोई मटकी तो नहीं बची है भाइयों? देखिए, आप सब अपने श्रम से निकाला हुआ माखन धनु काका को मत दीजिए। इससे गोकुल का कुछ भी भला नहीं होगा। ईश्वर के निमित्त दान देना अच्छा है, किंतु ऐसे ही किसी की भी बातों पर विश्वास करके दान देना गलत है। देखो भाइयों, कौन बोला, माखन चोर बोला। बालक, तुम तो स्वयं ही पूरे गोकुल से माखन चुरा चुरा के खाते हो, क्या तुमको माखन की इतनी चिंता हो गई है? तो भाइयों, आप इस उद्दंड बालक की बातों में मत आना, हैं? प्रभु अवश्य ही आप सबसे प्रसन्न होंगे और अवश्य ही हमारे गोकुल को अभय प्रदान करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि। अच्छा, धनु काका की बात पर आप सबको इतना ही विश्वास है तो आप सब स्वयं ही अपनी अपनी मटकियां यमुना नदी में स्वयं ही क्यों प्रवाहित नहीं कर देते? बेचारे धनु काका को क्यों परेशान कर रहे हैं? कान्हा, तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो। गोकुलवासियों, ये कार्य तो हम लोग स्वयं भी कर सकते हैं। चलिए, हम लोग एक एक मटकी माखन लेते हैं और यमुना नदी में स्वयं ही प्रवाहित करके आते हैं। हाँ हाँ नंदराज, जैसा आप उचित समझे। धानु काका तो ये बात सहर्ष मान गए। धानु काका यदि गोकुलवासियों को मूर्ख बना रहे हैं तो वो हमारी ये बात कैसे स्वीकार कर सकते हैं? धनु काका कभी नहीं सुधर सकते, उन्होंने ये बात तो सबका विश्वास जीतने के लिए कही है दाऊ। अब आगे आके देखो कैसे अपनी बात से पलटते हैं। अरे भाइयों, रुको रुको रुको, एक अति आवश्यक बात मैं आप सबको बताना भूल ही गया था।
जब श्री हरि मेरे स्वप्न में आए थे तो उन्होंने मुझे एक गुप्त मंत्र दिया था और कहा था कि जैसे ही यमुना में माखन की मटकियां प्रवाहित करोगे तो ये गुप्त मंत्र तुम वहां पढ़ना। तो भाइयों, जब स्वयं श्री हरि ने मुझे ये उत्तरदायित्व सौंपा है तो आप सब लोग वहां चलकर क्या करेंगे? ठीक है धनपति सेठ, मात्र तुम्हें जाकर इस कार्य को निर्विघ्न रूप से करके आओ। श्री हरि के आदेश का पालन होना ही चाहिए, जाइए। हाँ नंदराज, जैसा आप सब उचित समझें। गोकुल की सुरक्षा से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। जय श्री हरि। संपूर्ण गोकुल की तरफ से ये सारा माखन स्वीकार कीजिए और गोकुल की भूमि को पुनः दानव रहित कीजिए। धनु काका, मैं आपको गोकुल वासियों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाने दूंगा।